अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर आ न्यू व्लॉग। चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह सुबह पहले मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया है। अब मैंने अपने लिए एक नाश्ता बनाया, कप चाय और दो ब्रेड के स्लाइस हैं। एग पहले का ही हाफ पड़ा हुआ था, सुबह मैंने उसे लंच बॉक्स रेडी करके दिया, वन पीस ऑफ सैंडविच। तो फिर मैंने सोचा कि वही एग मैं यूज़ कर लेती हूँ और टू पीस स्लाइस ब्रेड के ले लेती हूँ। ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। चाय मैंने एक कप पहले ही रेडी कर ली थी। एक्चुअली मैं आज मुझे काम बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, तो मैंने सोचा पहले नाश्ता कर ही लूँ फिर काम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ एक्चुअली मैंने आज कपड़े वॉश कर रही हूँ, मशीन लगाई है। नाश्ता रेडी हो गया, नाश्ता अपना सर्व करते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरा बन गया, अब नाश्ता लेके हम लोग रूम में चलते हैं और आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। तब तक कपड़े वॉश होके ड्राई हो जाएंगे, फिर और डाल देंगे। जी जिसका दिल कर रहा है व्यूज आ जाए और मेरे साथ नाश्ता कर ले। दिन कब स्टार्ट होता है कब ख़त्म होता है कोई पता ही नहीं चलता, इतनी बिजी रूटीन होती है, घर के कामों में ही पता नहीं चलता कि कब दिन स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ है। ये देखिए मुझे इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा, पहले सोचा ऐसे ही खाती हूँ, फिर मैंने कहा एक सैंडविच बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश हो जाए और ताकि मैं और काम कर सकूँ अपने। मुझे खाना भी बनाना है और अभी रूम भी देखना है, रूम बहुत गंदा हुआ पड़ा हुआ है। नाश्ता मेरा, मशीन भी बंद हो गई है बाहर, कपड़े वॉश हो गए हैं, अभी और डाल लें कपड़े। साथ बेबी सो रहा है, साथ ही मैंने खाना बनाने के लिए रखने लगी हूँ। रात के चने भिगोए हुए थे, अभी मैं रखने लगी हूँ। मैंने अभी फ्रेश लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो है वो काटी है, लहसुन को छीला है, अदरक को भी छीला और फ्रेश जिसे पंजाबी में चट्ठू वट्टा कहते हैं उसमें मैं इसे छोटा छोटा करके ज़रा कर लिया है, कुट लगा दी है इसकी। और प्याज और टमाटर भी काट लिए हैं, अभी फ्रेश सारा कुछ रेडी किया मैंने। ये डाल रही हूँ नमक मिर्च हल्दी, सारा कुछ डाल के तो मैं कुक होने के लिए हाफ आवर के लिए रख दूँगी। जैसे कुक हो जाएंगे फिर हम वापस मिलेंगे और फिर मैं भूनूँगी चनों को। और इसमें पानी थोड़ा है तो मैं अभी थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। जब घर में बंदा अकेला हो काम करने वाला फिर इसी तरह होता है, साथ साथ ही सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना, खाना भी बनाना और जो काम होते हैं वो भी देखने। ये अब मैं आधे घंटे के लिए कुकर लगा दूँगी। ये पानी थोड़ा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया ताकि चने अच्छे से गल जाएँ और नीचे ना लग जाएँ कहीं कुक होने के दौरान। मैं कुकर को बंद कर रही हूँ और आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए रख रही हूँ। और साथ ही ये जो बर्तन वगैरह हुए हैं ये साथ ही वॉश करूँगी ताकि किचन में कोई भी गंद वगैरह ना पड़े और किचन का काम मेरा साथ साथ ख़त्म होता जाए। ये
किचन का काम मेरा हो गया सारा, अब घर का सफाई को देखते हैं। ये रूम सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, बच्चे मेरा सो गए हैं तो अब मैंने रूम को भी देखें नीट एंड क्लीन कर लिया। वापस कुकर को हो गए हैं 30 मिनट, ये देखें जी चने बिल्कुल गल गए हैं। अब ये देखें मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, अगर गोश्त हो, अगर चने हो, कोई भी हो, अगर पानी ज़्यादा हो कि ख़त्म ना हुआ हो अभी पानी, तो मैं वापस निकाल लेती हूँ इसी तरह सीव करके स्ट्रेन कर, और यही पानी वापस बुनाई के दौरान यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें ये वापस चने वगैरह मैं उसी में डाल दूँगी ताकि कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो। आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा, किया करें आप लोग भी इसी तरह, ताकि पानी भी वेस्ट ना हो और जल्दी से खाना भी पक जाए। ये अब मैं ये 2 से 5 मिनट कोई इसका पानी बिल्कुल ड्राई करूँगी ताकि पानी ना रहे, और फिर इसमें ऑयल डाल दूँगी भूनने के लिए। कपड़े मेरे साथ साथ सारे वॉश हो चुके हैं, ये देखें जी ऑयल डाल दिया मैंने भूनने के लिए। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, और साथ साथ मेरी सफाई भी तकरीबन हो चुकी है, कपड़े भी ख़त्म हो गए हैं। अब मेरा काम रह गया है जी, अभी खाना रेडी होने के बाद मैंने आटा भी गूंदना है, आटा गूंदने के साथ साथ किचन का जो काम वो फिनिश करूँगी। ऐसे ही पूरे दिन गुजर जाता है, ऐसे ही रूटीन बनी हुई है कि सुबह नाश्ते से शुरू होता है और रात खाने पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये रात का खाना मैं रेडी कर रही थी, ये चने तकरीबन थोड़े बहुत बुने गए हैं। देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ऑयल अलग हो गया है, इसका मतलब चने भुने गए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, जो एक्स्ट्रा पानी निकाला था वही ऐड करूँगी। ये जी मैं भूल गई, दही भी मैंने थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गए थे और एक ही टमाटर था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा दही ऐड कर लेती हूँ। आप लोगों के भी पास अगर घर में कभी टमाटर अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये यूज़ की है। दही डाला तो थोड़ा सा और भूनना पड़ेगा ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और चने जो है वापस ऑयल छोड़ दें। ये जी बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसी तरह चने कुक करते हैं या किसी और तरीके से कुक करते हैं। चने भुन चुके हैं, अब हम इसमें जो पानी निकाला था चने के अंदर से वही डालेंगे ताकि कच्चा पानी ना डाला जाए क्योंकि चने का फ्लेवर चेंज हो जाता है। अब इसी पानी में मैं थोड़े से कुक करूँगी। एक्चुअली चने जो मैं बना रही हूँ मैं रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, राइस के साथ खाने के लिए नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ और इसे कोई 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर कुक होने के लिए रख दूँगी ताकि सही पक जाए चने और टेस्ट इसका आ जाए। ये देखिए मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे। अब जी मेरा फिर काम बचा हुआ है, अभी आटा गूंदना है मुझे ये, और साथ ही पानी बॉयल रखना है बच्चे के फीडर के लिए। ये मैं साथ ही पानी बॉयल रखूँगी और साथ ही आटा गूंद लूँगी। किचन के ही काम पूरा दिन ख़त्म नहीं होते, सुबह उठती हूँ मॉर्निंग में तब शुरू होती है किचन का काम, रात तक किचन के काम ख़त्म नहीं होते। ये मैंने पानी बॉयल रखा फीडर्स के लिए और ये आटा गूंदने लगी। आटा पहले थोड़ा सा पड़ा हुआ है लेकिन मैंने फिर भी और गूंदने लगी ताकि अगर एक्स्ट्रा रोटी की ज़रूरत पड़े तो आटा पास में मौजूद हो।
आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की रूटीन दिन में ऐसे ही गुजरती है किचन के काम और घर के कामों में। आटा मेरा थोड़ा तकरीबन आटा लगभग मेरा गूंद गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी आटे को, और अब मुझे शावर लेना है खुद। मैं कपड़े प्रेस करूंगी अपने, और कपड़े प्रेस करने के बाद शावर लूंगी। ये जी मेरा अपना सूट है जो मैं प्रेस करने लगी हूँ, और ये मेरा सूट, ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैंने साथ साथ सोचा कि मैं इस तरह करती हूँ कि सुबह के लिए भी सबके बच्चे का यूनिफॉर्म प्रेस करना वो भी कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे मुश्किल पेश ना आए, और सुबह सुबह जो जिसने जो जो वेयर करना वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। फिर मैंने बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर दिए, अपने हस्बैंड का भी ड्रेस प्रेस कर दिया जो सुबह वेयर करना है। और ये देखें जी, बच्चों के कपड़े भी हो गए हैं प्रेस, साथ यूनिफॉर्म, बच्चों के घर के कपड़े, और अपने हस्बैंड के ड्रेस जो सुबह उन्होंने वेयर करने हैं। अब सुबह स्टार्ट हुई थी, अभी तक काम ख़त्म नहीं, अभी मुझे शावर लेना है। अब मैं शावर लूँगी, और ये देखें जी शावर लेके मैं रेडी हो गई हूँ। चलें व्यूअर्स, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं कल फिर हाज़िर हूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।